जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन ब्रदर्स। आज हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कि आज हम स्टडी करेंगे कि इंटेंशन, होप, प्रोमिसेस, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन की सेंटेंसेस को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। ब्रदर्स हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारे साथ जो सेड वर्ब है उसको हम इन वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे सिचुएशन के मुताबिक। उसके बाद हम दैट सब्जेक्ट वर्ब एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस लगाएंगे, लाइक होप, प्रॉमिस, थ्रेटन, बिलीव, एक्सपेक्टेड। तो प्रॉमिस जैसे लिखते हैं कि अली सेड आई विल पे द मनी टुमारो। अली प्रॉमिस्ड, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस लगा है दैट ही वुड पे द मनी द नेक्स्ट डे। द चिल्ड्रन सेड आवर फादर विल रिकवर सून। तो यहाँ पर बस द चिल्ड्रन होप्ड दैट देयर फादर वुड रिकवर सून। तो यहाँ पर क्या है, होप को बयान किया गया है, यहाँ पर प्रॉमिस को डिस्कस किया गया है। लास्ट सेंटेंस में बड़ा सा आप देख सकते हैं कि ही सेड आई विल किल यू, ही थ्रेटन, उसने मुझे धमकी दी है। ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि इसमें धमकी देना शो हुआ है। ही थ्रेटन दैट ही वुड किल मी। तो प्लस ये हमारे पास क्या है, ये इंटेंशन है, होप, प्रोमिसेस, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल, मुस्लिम सेड अल्लाह इज वन। तो प्लस ये क्या है, ये एक बिलीफ है, यकीन है, जिसको हम ईमान कहते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे कि मुस्लिम्स बिलीव्ड दैट अल्लाह इज वन, तो बिलीव को बस जब हम किसी चीज़ सेंटेंसेस पे बिलीव करते हैं तो वहाँ पर भी हम सेट को बिलीव में चेंज करते हैं। तो बस ये मीजनलेस सेंटेंसेस है हमारे पास कि इंटेंशन, होप, प्रोमिसेस, बिलीव और एक्सपेक्टेशन को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स अलॉट।